हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। मैं हूं जीत सलाल। गाइस, आज बात करने वाले हैं हम वे प्रोटीन वर्सेस एग प्रोटीन के बारे में। तो काफ़ी सारे लोग हैं जो वे प्रोटीन नहीं लेना चाहते या नहीं ले सकते। बहुत सारे रीज़न हैं उनके, फैमिली में अलाउ नहीं करते उन्हें सप्लीमेंट लेने के लिए, या फिर वो इन्वेस्ट नहीं कर सकते इतना पैसा एक सप्लीमेंट में। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि इन दोनों ही प्रोटीन सोर्सेज में से कौन सा सही है आपके लिए। और साथ ही साथ गाइज, अगर आप मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो नहीं कर रहे हैं तो वहाँ पर फॉलो कीजिए, क्योंकि हमारा 1 मिनट फिटनेस वीडियो सीरीज चल रहा है जो सिर्फ और सिर्फ इंस्टाग्राम और फेसबुक पर अपलोड हो रहा है। ऑलराइट, सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि हम सिर्फ प्रोटीन की बात करेंगे। तो एग्स में से हम फैट की जो इक्वेशन है उसको हटाते हुए सिर्फ और सिर्फ एग वाइट को कंसिडर करेंगे, और जितना भी प्रोटीन उसमें होता है उसके साथ हम वे प्रोटीन को कंपेयर करेंगे। तो वे प्रोटीन का बॉक्स हम एक ऑन एन एवरेज लें तो 5 LBS का, यानी कि 2.2 kg का, आपको इंडियन मार्केट में 5500 से लेकर 6000 के बीच में करंटली इस वक्त मिलेगा। कुछ प्रोटीन पाउडर्स हैं जो 51, 52, 53 के भी मिल रहे हैं। तो डिपेंड करता है कि कौन सा आप, अमेरिकन प्रोडक्ट की मैं बात कर रहा हूँ, ट्रस्टेड ब्रांड की बात कर रहा हूँ, तो कौन सा आप लेना चाहते हैं उस पर डिपेंड करेगा। मान लिया जाए कि 5500 का आपको एक प्रोटीन पाउडर का पैकेट पड़ता है जो 2.2 kgs का है। अब 2.2 kgs में यूजुअली उसमें 70 सर्विंग्स होती हैं, तो इस हिसाब से अगर हम एक स्कूप को देखें तो एक स्कूप आपका जो 25 ग्राम्स तक आपको प्रोटीन दे देता है वो आपको पड़ता है करीबन 80 रुपए का। अगर हम उसको कैलकुलेट करके निकालें तो आप कैलकुलेशन कर सकते हैं खुद से। अब बात करते हैं हम एग्स की, और सिर्फ एग वाइट्स की। तो होल एग में आपको करीबन 6 ग्राम के आसपास प्रोटीन मिलता है। उससे हम फैट को परसेंटेज को निकाल दें, एग वाइट्स को ही रखें, तो 3.6 ग्राम्स तक आपको प्रोटीन मिल जाती है उसमें। अब 3.6 ग्राम को हम 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 25.2 ग्राम्स, यानी कि 7 एग वाइट्स अगर आप कंज्यूम करेंगे तो आपको सेम अमाउंट प्रोटीन की, यानी कि 25 ग्राम्स आपको एग से मिल जाएगी। और इस वक्त एग्स की अगर हम प्राइस देखें इंडिया में तो 8 से 10 रुपये का एक आपको एग मिल जाता है ठीक ठाक। तो एक अगर हम 10 रुपए का अंडा मानते हैं और हम एग वाइट्स कंज्यूम कर रहे हैं 7, तो 7 अंडे में लग जाएंगे उसमें, तो उस हिसाब से 70 रुपए में आपको 25 ग्राम प्रोटीन मिल जाएगा। तो एक तरफ आपको वे प्रोटीन जो आप ले रहे हैं वो 80 रुपए का आपको 25 ग्राम प्रोटीन दे रहा है, दूसरी तरफ 70 रुपए में आपको 25 ग्राम प्रोटीन मिल रहा है। ये तो रही पहले प्राइस फैक्टर की बात, हम एंड में डिसाइड करेंगे कि कौन सा आपके लिए एक बेटर चॉइस रहेगा। दूसरा फैक्टर आता है इसमें बायो अवेलेबिलिटी का। अब बायो अवेलेबिलिटी का बेसिक सिंपल मतलब ये है कि आपको उस फूड सोर्स में जितना प्रोटीन आपको मिल रहा है वो क्या पूरा का पूरा बॉडी को पूरा का पूरा मिल रहा है या कुछ परसेंट रह जाता है। तो अगर वे प्रोटीन आइसोलेट की बात करें तो 100 से लेकर 159 तक उसका बायोअवेलेबिलिटी इंडेक्स होता है, तो इतना ज़्यादा परसेंट है। और अगर कॉन्सेंट्रेट, वे प्रोटीन कॉन्सेंट्रेट की बात करें तो 104 के आसपास रहता है बायोअवेलेबिलिटी इंडेक्स। वहीं अगर हम एग्स की बात करें तो उसका भी 100 रहता है। तो आपको जितना आप उस प्रोटीन को, एग्स को ले रहे हैं उसका पूरा का पूरा 100% के आसपास आपको मिल जाता है वो। तो दोनों ही एक हिसाब से बराबर हैं इस सिचुएशन में। तीसरा फैक्टर आता है इसमें एब्जॉर्प्शन रेट का। अब एब्जॉर्प्शन रेट क्यों ज़रूरी है यहाँ पे, क्योंकि हमें इस बात का भी मेक श्योर करना होता है कि वो जो हम खाना खा रहे हैं, प्रोटीन खा रहे हैं, वो कितनी देर में एब्जॉर्ब हो रहा है बॉडी के अंदर। अब हम बात करेंगे वे प्रोटीन की, तो वे प्रोटीन का एब्जॉर्प्शन रेट रहता है 8 से 10 ग्राम पर आवर, मतलब हर एक घंटे में वो 8 से 10 ग्राम आपका बॉडी में एब्जॉर्ब हो जाएगा, ठीक है। अब ये इसी वजह से भी होता है क्योंकि उसमें डाइजेस्टिव एंजाइम्स हैं, एब्जॉर्प्शन रेट थोड़ा ज़्यादा रहता है। अब कंपेयर करेंगे इसे एग्स से, तो एग्स का थोड़ा सा एब्जॉर्प्शन रेट 2.8 ग्राम पर आवर रहता है, यानी कि थोड़ा कम रहता है उससे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता कि एग्स बहुत ज़्यादा टाइम लगाते हैं बॉडी में एब्जॉर्ब होने में, डाइजेस्ट होने में। वो थोड़ा सा वे प्रोटीन के कंपैरिजन थोड़े से स्लो होते हैं, लेकिन बेनिफिट्स आपको, जैसा मैंने कहा, बायो अवेलेबिलिटी इंडेक्स, वो आपको पूरा का पूरा मिलेगा। चौथा फैक्टर आता है यहाँ पे क्वालिटी का। अब क्वालिटी की बात करेंगे तो वे प्रोटीन की क्वालिटी डिपेंड करेगी कि वो कौन से ब्रांड का है, कौन से अमेरिकन ब्रांड का है, ट्रस्टेड ब्रांड का है कि नहीं, कितने सालों से वो कंपनी है, और दूसरी बात कि किस सोर्स से आप ख़रीद रहे हैं उसे, क्या वो ऑथेंटिक है, क्या वो जो सप्लीमेंट आ रहा है वो ओरिजिनल है। तो आजकल तो चीज़ें खैर काफ़ी इजी हो गई इंडिया में, ऑथेंटिक सप्लीमेंट लेना, ओरिजिनल सप्लीमेंट लेना इतना मुश्किल काम नहीं है आजकल, अब बहुत सारी वेबसाइट्स हैं।
दूसरी बात करते हैं हम एग्स की, तो एग्स में भी क्वालिटी पता लगाने के लिए डिपेंड करता है कि वो कौन से फार्म से आए हैं, उन मुर्गियों को कैसा पाला गया है। बहुत सारे यहाँ पे जो एग्स मिलते हैं आपके, वो फ्री रेंज एग्स भी मिलते हैं आपको, कि उन मुर्गियों को केज के अंदर नहीं रखा जाता, वो घूमती फिरती हैं, यू नो, टहलती हैं, तो आसानी से वो एक नॉर्मल जानवर की तरह उसको पाला जाता है। दूसरी जो कुछ मुर्गियाँ होती हैं जो केज्ड होती हैं, यानी कि उनका जीवन सिर्फ केज के अंदर ही गुजरता है, तो वो एग की क्वालिटी और फ्री रेंज एग की क्वालिटी थोड़ी डिफरेंट होती है, प्राइस में भी काफ़ी डिफरेंस होता है। पांचवा और आखिरी फैक्टर इसमें आता है अवेलेबिलिटी का। अब वे प्रोटीन की हम बात करेंगे तो वैसे तो ये बहुत जगह अवेलेबल है और आसानी से मिल जाता है, ओरिजिनल सप्लीमेंट लेना कोई मुश्किल काम नहीं है, जैसे मैंने आपको पहले बताया। लेकिन घर में, कुछ घरों में मॉम्स इसको अलाउ नहीं करती हैं सप्लीमेंट लेना, वे प्रोटीन लेना, और आजकल तो मैं देख रहा हूँ कि बहुत ही रेप्यूटेड न्यूज़ चैनल्स भी ऐसा बोल रहे हैं, क्लेम कर रहे हैं कि वे प्रोटीन सही नहीं है। अगेन एक बहुत बड़ा टॉपिक बनेगा रेंट टाइप का, लेकिन मैं वो बाद में बनाऊंगा। फिलहाल एग्स की अगर बात करें तो एग्स हर घर में अवेलेबल होता है जो नॉन वेजिटेरियंस हैं, और कोई इस तरह का इशू नहीं होता घर में कि आप नहीं खा सकते या एग्स के लिए कोई मना करेगा। और एग्स की अवेलेबिलिटी की अगर बात करें तो एग्स बहुत ही आसानी से आपको कहीं पे भी मिल जाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी एग्स को ढूंढने में। तो दोनों ही आसानी से अवेलेबल है मार्केट में, लेकिन अगेन कौन सा जो प्रोटीन सोर्स है वो इजीली आप घर पे ला सकते हैं उस पर डिपेंड करेगा ये। इसी के साथ एक और फैक्टर आता है फूड प्रेफरेंस का, कि क्या आप वेजिटेरियन है या नॉन वेजिटेरियन है। तो वे प्रोटीन की अगर हम बात करेंगे तो इसे दोनों ही लोग कंज्यूम कर सकते हैं, नॉन वेजिटेरियंस भी और वेजिटेरियंस भी। वेजिटेरियंस के लिए एक अच्छा फूड सोर्स हो सकता है जो लोग नॉन वेज में एग्स भी नहीं खाते, कुछ नहीं खाते। रही बात नॉन वेजिटेरियंस की, तो वो तो एग्स भी ले सकते हैं, वे प्रोटीन भी ले सकते हैं, तो दोनों ही चीज़ को कंज्यूम किया जा सकता है उनके द्वारा। तो गाइज ये सारे फैक्टर्स को जब हम ध्यान में रखते हैं तो देखा जाए तो आप वे प्रोटीन भी खरीद सकते हैं और एग्स भी खरीद सकते हैं। अब जो लोग वे प्रोटीन बिल्कुल नहीं खरीद सकते तो वो लोग एग्स पे भी रिलाई कर सकते हैं, क्योंकि क्वालिटी जो प्रोटीन की है, जो बेनिफिट आपको प्रोटीन का है, वो आपको एग्स से भी मिल जाएगा। मैंने आपको बहुत बार बताया है कि अगर आपकी डेली रिक्वायरमेंट फॉर एग्जांपल 150 ग्राम प्रोटीन है और आप वे प्रोटीन नहीं लेते और आप सिर्फ एग वाइट्स या चिकन या सोयाबीन या पनीर पे रिलाई करते हैं और अपनी प्रोटीन की क्वांटिटी उससे पूरी कर सकते हैं, तो डेफिनेटली आपको प्रोटीन की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। प्रोटीन की ज़रूरत आपको, वे प्रोटीन की ज़रूरत या किसी भी सप्लीमेंट की ज़रूरत आपको तब पड़ती है जब आपका डेली रिक्वायरमेंट प्रोटीन का पूरा नहीं हो पाता है सिर्फ फूड से, यानी कि आपकी प्रोटीन की रिक्वायरमेंट अगर ज़्यादा है या कुछ आप कुक नहीं कर सकते ज़्यादा, बहुत बिजी हैं, तो उस टाइम पे आपको बहुत सहूलियत महसूस होती है जब आप इस तरह के प्रोटीन सप्लीमेंट का इस्तेमाल करते हैं, राइट। और नॉर्मल लोगों के लिए कोई ज़रूरत नहीं है, बस आपको ये ध्यान रखना है कि जहाँ जो पैसा आप वे प्रोटीन पे इन्वेस्ट नहीं कर रहे वो आपको एग्स या किसी और तरह के प्रोटीन फूड सोर्सेज पे तो करना ही होगा। इसीलिए गाइस मैंने हमेशा कहा है कि बॉडी बिल्डिंग करना थोड़ा सा एक्सपेंसिव पड़ जाता है, मतलब वे प्रोटीन पे खर्च नहीं भी करेंगे तब भी इन्वेस्ट करना ही पड़ेगा थोड़ा सा मसल बिल्डिंग करने के लिए, यू नो, ये फैक्ट है। तो गाइज ये थी सारी इन्फॉर्मेशन एग्स एंड वे प्रोटीन के बारे में। कोई आपको कन्फ्यूजन है तो कमेंट सेक्शन में बताइए, और इसी तरह के अगर कोई और टॉपिक है आपके जो पूछने हैं आपने तो कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं। एंड गाइज वीडियो पसंद आई है तो लाइक ज़रूर कीजिए, एंड टेक केयर। जीत सलाल साइनिंग ऑफ।